रात में हम लोग पहुंच चुके हैं रुद्रपुर। ऑफ रोड की तलाश में हम लोग पहुंच चुके हैं रुद्रपुर से गुलर भोज। रोड अभी तो कच्ची है, ऑफ रोड अभी मिली नहीं है, थोड़ी बहुत ऑफ रोड टाइप की है लेकिन है नहीं वैसी जैसे मुझे चाहिए इस बाइक की ऑफ रोड टेस्टिंग करने के लिए। सामने आप देखो ये लिखा आपकी यात्रा मंगलमय हो, धन्यवाद हरिपुरा जलाशय। यह है गुलर भोज का डैम बहुत बड़ा। अभी किसी लोकल किसी इंसान से पता किया है मैंने, तो वो बोला था कि आपको जाना पड़ेगा इस ऑफ रोड के लिए, डैम टू डैम जाना पड़ेगा, किसी डैम के सहारे हमको जाना पड़ेगा, एक जंगल मिलेगा हमको जो हमको शायद हल्द्वानी छोड़ेगा। अब देखते हैं, रास्ता मैंने देखा नहीं है, किसी से पता किया, अब वो कहता कि आपको अगर पता नहीं है तो देख लेना हिसाब किताब सही ढंग से। ये देखो आप पूरा का पूरा ये डैम है, एक छोटा सा हरिपुरा जलाशय, लेकिन इसके पार एक बहुत बड़ा डैम और है। उस हिस्से में सामने दीवार दिखाई दे रही है, उसके अगले हिस्से में एक और बड़ा डैम है, और आप देखो उसका व्यू बहुत ज़बरदस्त है। डैम का चारों ओर पानी पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी पानी काफ़ी कम है, बरसात के टाइम में काफ़ी ऊपर आ रहा था। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अजी उपाध्याय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल आज मूड था मेरा ऑफ रोडिंग करने का, एक्सपल्स का मैंने अभी ऑफ रोडिंग कोई वीडियो बनाया भी नहीं और मुझे कहीं ऑफ रोड मिली भी नहीं। तो आज संडे का दिन था और मेरी छुट्टी थी, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ज़रूर बनता है एक्सपल्स का, ऑफ रोडिंग वीडियो का। अभी फ़िलहाल मैं रुद्रपुर से 20 किलोमीटर दूर आया हूँ, यहाँ पर गुलर भोज। ये गुलर भोज में दो डैम हैं और जो अपनी मछलियों के लिए काफ़ी फेमस हैं। इसके बाद यहाँ से एक रास्ता जाएगा जो निकलेगा सीधे नैनीताल या काराढुंगी होते हुए नैनीताल को जाएगा, और यह किलोमीटर करीब 30 किलोमीटर पड़ेगा। अब इसमें देखते हैं कि ऑफ रोड हमको कितनी मिलती है और ऑफ रोडिंग रिव्यू कैसे रहते हैं बाइक के, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि बाइक ऑफ रोडिंग के लिए कैसे है। चलते हैं ऑफ रोडिंग बाइकिंग के लिए आज और देखते हैं कैसा है ये रास्ता, क्योंकि मैं भी पहली बार जा रहा हूँ और आप भी देखो कैसा है रास्ता। रास्ते का यार मज़ा ही कुछ और है, मज़ा आ गया है सबसे कसम से। अब देख लो आप, ऑफ रोड ही है पूरी, जैसा मेरे को चाहिए था थोड़ा बहुत वैसा होने लग गया रास्ता, और इससे भी कठिन अभी आगे जाके और होगा। अभी एक नीचे पीछे सरदार जी मिले थे ट्रैक्टर लेते हुए आते, उनसे मैंने पता किया तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर पीपल पड़ाव कोई जगह पे है, पीपल पड़ाव से मुझे कहीं टर्न मारना पड़ेगा, तो मैं लामा चौड़ की ओर निकलूँगा, हल्द्वानी लामा चौड़। थोड़ा गलत डायरेक्शन हो गया था, अभी ये जो आगे बाइक में भाई जा रहा है इसने मुझको बताया कि कहाँ से रोड जाएगी, पीपल पड़ाव। अच्छा ये रोड जा रही है, अच्छा ठीक है, नहीं मेरे को जंगल वाला रास्ता आना है पूरा, अच्छा ठीक है, थैंक यू।
एक्चुअल डायरेक्शन का पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि चारों ओर को रास्ते रास्ते हैं। अब देखिए आप इस रोड में गड्ढे काफ़ी हैं और आप देखो कि सस्पेंशन सिस्टम कितना ज़बरदस्त से काम कर रहा है। मेरे को बिल्कुल भी शौक नहीं हो रहा है, जैसे ही गाड़ी गड्ढे पर यूँ जाती है और वापस आती है तो जो आगे का फ्रंट शॉकर है वो बहुत सही ढंग से काम कर रहा है। अभी हो सकता है कि और अच्छी ऑफ रोड मिले तो और अच्छा तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे काम कर रहा है सस्पेंशन सिस्टम। अभी है इसमें गड्ढे लेकिन इतने बड़े बड़े भी नहीं हैं कि मैं सीधे रिजल्ट पहुँच जाऊँ इसके। मैंने डायरेक्शन तो बताई थी लेकिन मैं उसी रोड के पहले पहले जा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कहाँ से टर्न लेना था। अब जिस रोड में पहले गलत गया था उसी रोड के पहले पहले ये रोड भी जा रही है। चलो अगर कोई आगे मिलता है तो उससे पता करता हूँ कि एक्चुअली मेरे को जाना कहाँ पर है। करीब 3-4 किलोमीटर वहाँ से तो आगे आ ही चुका हूँ मैं। हाँ हाँ वहाँ से गलत आ गए ना आप? हाँ या तिलपुरी गेट कहाँ से, गेट से घुसे थे आप? कहाँ से ना आप आए, उधर कहाँ से आए थे आप? हम लोग रुद्रपुर से आए थे। रुद्रपुर से आए थे आप, गलत आ गए ना इधर से? तो गलत आए हम। ऐसा ना रुद्रपुर से कहाँ, इधर से कहाँ, जंगल से किधर से आए थे उधर से आप? ये गुलाबोज का डैम पार करने के बाद। अरे ये कहाँ, पहले गुलाबोज गए, इधर डैम में गए, डैम से भी इधर को। हाँ तो वो रोड सीधे जा रहे हैं ना जैसे एक रोड। हाँ वो हमको पता है, हमको जंगल वाले से जाना है ना। लेकिन हमने कहा था कि हम लामाचौड़ निकला था ना, हमको जंगल वाले से। जंगल वाले से रास्ता था। हाँ वो आया से, वो तो सब देखे हमने। वो बीच वाला टप गया ना, अब रास्ता टप गया ना। हाँ वो इधर का नहीं पता है हमको रास्ता, वो तो हमने जो बैरियर में निकल जाता है ना टाटा जंगल में, रेलवे वाला भी देखा है और जो आगे जाता है वो भी देखा है रेत वाला, वो देखा हुआ। हमको जंगल से जाना है आज, यही याद बात है। ये तो हम हर संडे आते हैं ऐसे। अच्छा, हाँ यला रास्ता देखा नहीं हमने तो इसलिए यला रास्ता जाना है आज। अच्छा तो ये है गदगदिया, क्या कहते हैं ये गदगदिया। हाँ ये निगंटिया। हाँ निगंटी खत्ते है ना यहाँ पर। अच्छा आगे रोड आ गया। हाँ रोड से सीधे आप मान लो पीपल पर आप जाना। हाँ वहाँ से 2-3 किलोमीटर पड़ेगा। हाँ रोड है ना। हाँ सीधे पीपल भागरा पार करोगे। हाँ पीपल पर आप आएगा वहाँ से सीधे लामा छोड़ जाना। ठीक है। कहीं लिखा तो है नहीं कि रास्ता किधर जाएगा, इसलिए हम भटकते जा रहे हैं जंगलों में। आप देखे सामने जंगल में भाई साहब हमको मिले हुए हैं, उन्होंने बताया कि मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत झूठ उड़ाते हुए निकल रहे होते तो ये कह रहे कि मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ, मेरे साथ पीछे पीछे आओ। तो अब इनका थोड़ा पीछे गाइडेंस देनी है उसके बाद, क्योंकि मैं भी पहली बार आ रहा हूँ यार यहाँ पर। हम नेशनल हाईवे पर तो जाते हैं ना बहुत बार, वहाँ तो सब जो लिखा रहता है गाँव है यहाँ पे कोई अंदर एक। कतई ऑफ रोड है भैया, मजा आ रहा है फिर जाने में बाइक पर। हाँ वही वाला एक्सीडेंट लगा एक बार, मैं बहुत पहले आज से करीब 10-12 साल पहले अपनी पल्सर लेके गया था छोटा बाग से सीता बनी, जंगली जंगल बीच में, और वो रास्ता की काफ़ी हाथी वगैरह डरावना रास्ता था। बहुत यार अब पता नहीं है बहुत है नहीं बहुत है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैंने आपसे कमिटमेंट तो की है लेकिन अब पता नहीं ना, गाड़ी भी रबड़ काफी दिया। एकदम पगडंडी टाइप की आ गई यार, ये तो बहुत भयंकर है। और अभी ये बता रहे थे कि इसमें हाथी भी आ जाते हैं, कभी कभी चीता भी आ रहा था, और डर भी काफी लग रहा है, और बाइक को इतनी तेज चलाना भी, क्योंकि उनको रोज की आदत है और मेरे को आदत नहीं है इस जंगल में जाने की इतना ज़्यादा। अब वो तो बहुत तेज तेज चला रहे हैं लेकिन हम लोग का थोड़ा बाइक की हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो और देखिए अब रास्ता इतना पतला पतला आ गया, पता नहीं किस कहाँ झाड़ी वाड़ियों के बीच में से ये रास्ता जाएगा। डर बहुत लग रहा है यार, अब तो छोड़ के चले गए हमको। अब मैं देखता हूँ आखिर हम कहाँ पहुँचते हैं यहाँ से। ऑफ रोडिंग करते 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 हम लोग पूरा जंगल हमने पूरा कवर किया। देखो आप बहुत घना जंगल है और हाथी और चीते काफ़ी आते हैं, हालत ख़राब है। देखो बहुत बार गिरते गिरते बचे, और यहाँ पे देखो पूरा मैदान बना रखा है उन्होंने खेती के लिए, और ये पूरे गुज्जरों के छोटे छोटे खत्ते बोलते हैं इनको,
यहाँ पे लोग गाय भैंस पालते हैं और दूध का व्यापार होता है इन लोग का। और ये घने जंगल के बीच में रह रहे हैं और बहुत टफ टास्क है यहाँ पे रहना, क्योंकि जानवर चारों ओर जानवरों का डर, जंगली जानवरों का डर और उसके बीच में जीवन यापन। अब जो है कहानी समझ में आ रही है, हम लोग ने रास्ता गलत लिया था, जो भाई साहब ने हमको यहाँ तक छोड़ा 20 रस्ते तक, अब हमको यहाँ से 3 किलोमीटर वापस जाना है। जो रास्ता हमने छोड़ दिया था वो वापस हमको मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग बहुत आगे निकल गए उस रास्ता छोड़ के। और वहाँ से बैक आने के लिए उन्होंने बोला कि बैक मत जाओ, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। तो पूरा जंगल के अंदर का भ्रमण करते हुए हम लोग पहुँच चुके हैं अब इस बद्रीवाई रोड पर। अंदर की ऑफ रोडिंग में तो मज़ा काफ़ी आया। जो उन्होंने बताया था ये भाखड़ा पार करनी पड़ेगी, ये भाखड़ा नदी है जो कहीं आती है नैनीताल साइड से आती है कहीं, क्योंकि मैंने ये कोटा पार्क के पीछे कहीं बहते हुए देखा है। दो नदी आती है, एक दापता एक भाखड़ा। तो ये भाखड़ा नदी है जो ये कोटा पार्क के एक साइड से भाखड़ा निकलती है, एक साइड से दापता निकलती है। तो ये जो आमपाली स्ट्रीट है हल्द्वानी के आस पास कहीं पर, वहाँ पर ये भाखड़ा नदी है शायद, और दापता उस साइड है। लिटिल बिल कन्फ्यूजन है, अगर आपको कहीं मालूम हो तो आप मेरे को कमेंट कर देना, होता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ। जहाँ तक मतलब मैंने सुना है, या मैं जब कभी रामनगर गया तो तब किसी ने बोला है तो मुझे याद आ रहा है। चाय मिल जाएगी भैया? चाय चाय बना दो। यहाँ से लामा तोड़ के जा सकते हैं? बढ़िया है, ऐसी बजरी रोड है आगे से। नहीं, जंगल जंगल जाना है तो? अगर हाँ, ऐसी जंगल जंगल ही रोड, बजरी बजरी जाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे कोई ऐसा नहीं कि पेड़ पेड़ हो बीच में, पतला सा रास्ता हो? ना ना ना, ऐसी रास्ता होगा। अच्छा, 9 किलोमीटर ठीक। तो फिलहाल हमने पी यहाँ पे चाय, जो होती काफ़ी अच्छी, क्योंकि इन लोग की अपनी गाय हैं, अपनी भैंसें हैं, तो दूध काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था। जब उन्होंने बताया कि यहाँ जैसे चौराहा आएगा, चौराहे से हमको कैसे मारना है लामा चौड़ के लिए, इधर को जब जाना पड़ेगा लामा चौड़ के लिए, ये रखता होगा लामा चौड़ के लिए। शायद वो जो जंगल वाला रास्ता जो बता रहे थे, वो लोग आपस में खुद कन्फ्यूज मिल रहा है, कि अब हमको जो भी बंदा ला रहा है वो यहीं ला के छोड़ दे रहा है। हर बंदे ने ये रास्ता बताया। अब जो पहले मेरे को जिन्होंने बताया था कि आप जंगली जंगल जाना मज़ा आएगा, लेकिन वो रास्ता तो कहीं मिला नहीं। नेक्स्ट टाइम किसी लोकल बंदे को अपने साथ लेके आना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। अभी ये रास्ता पूरा इस साइड में पूरी जंगलात है। गाड़ी की भी जो रबड़ रही है, जहाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी है या रहता है ना, वहाँ पर हर किसी मूवमेंट आ रही है गाड़ी में, लेकिन जिस हिसाब से गड्ढे हैं बहुत सारे, उस हिसाब से तो मज़ा कुछ और आ रहा है। रोड ख़त्म यार, ये जंगल पूरा ख़त्म हो गया, अब ये आ गया यहाँ से CCI रोड। मुझे तो ज़्यादा उम्मीद थी कि ज़्यादा ऑफ रोड मिलेगा, लेकिन ज़्यादा ऑफ रोड मिला नहीं, तो ऑफ रोड ज़्यादा हो पाई नहीं, लेकिन फिर भी जो हुआ है काफ़ी अच्छा हुआ है। हो गया ब्लॉग पूरा हमारा, थोड़ा भी अंधेरा काफ़ी हो गया, अभी हम हल्द्वानी में ही है। ऐसे धीरज की कुछ बाइक में कुछ काम कराना था, उसके थोड़े टायर रिप्लेसमेंट कराने थे, और भी थोड़ा बहुत कुछ काम था, तो उसकी वजह से हो गया हमको लेट। वैसे हमने जैसे हफ्ते 2 बजे हमारी ऑफ रोड ख़त्म हो चुकी थी, उस हिसाब से हम लोगों ने करीब 3 बजे रुद्दूर पहुँचाना था अब, लेकिन थोड़ा काम था बाइक में तो लेट हो गया। और ऑल ओवर जो एक्सपीरियंस रहा ऑफ रोड का, बाइक का रिव्यू का, वो काफ़ी बहुत सही लगा। मैं जैसे बड़े बड़े जो आपके गड्ढे आते हैं उसमें बाइक आराम से निकल जाती है, कोई नाला आता है पानी का तो उसमें भी आराम से निकल जाती है, लेकिन मेरे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ऑफ रोड जैसी चाहिए थी वैसे मिली नहीं। अभी कभी हम ऐसे ऑफ रोड में जाएंगे जो मतलब जहाँ रोड ही ना हो, जो बहुत भयंकर हो, जैसे हिमालय एरिया में जाते हैं, तब रिव्यू और ज़्यादा होगा। लेकिन अभी तक ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो सही है। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों को, और अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं मेरे ब्लॉग के, तो आप बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल कर दीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ
तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।